बच्चों जय हिंद। क्लास 12 सिलेबस के नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है उत्प्रेरण। ये नया टॉपिक है इंटरमीडिएट का, और देखिए कैटालिसिस इसको बोलते हैं। आइए इसको हम टॉपिक के साथ चलेंगे। प्रत्येक टॉपिक पे लेक्चर कौन सा बनेगा ये देखेंगे। ये क्लास 12 है, टॉपिक हमारा है कैटालिसिस। कैटालिसिस इसको उत्प्रेरण कहते हैं। ये हमारा मान लीजिए आप मिसलेनियस में स्पेशल सिलेबस नहीं कह सकते, सिलेबस का एक पार्ट है जिसका नाम कैटालिसिस है। 12th केमिस्ट्री है, लेक्चर 1 है, और हम कैटालिसिस को लेंगे। कैटालिसिस के लिए चल रहे हैं आगे लेक्चर 1 में इसके टॉपिक के साथ। आइए उत्प्रेरक और उत्प्रेरण की हम बात करते हैं। उत्प्रेरक की बात करेंगे, आइए उत्प्रेरक की बात करते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है, इसको कैटलिस्ट कहते हैं। ध्यान दीजिए, वह वाह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता परंतु अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है, करता है उत्प्रेरक कहलाता है। अब आइए उत्प्रेरण की बारी आती है। उत्प्रेरक देखें, उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली क्रिया होने वाली और स्पष्ट लिखिए अभिक्रिया की क्रिया जो कि मैकेनिज्म पदार्थ देखा है, उत्प्रेरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरण कहलाती है। आइए एग्जांपल यहां पे लेने की कोशिश करें। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, 2KCl3 पोटेशियम क्लोरेट हमारा है, ये मान लीजिए मैग्नीज ऑक्साइड है, 270 डिग्री सेंटीग्रेड क्लियर होती है। 2KCl3O2 बनाते हैं। आइए अब क्रिया को देखें जरा सा। यहां पे हमने आपको बताया कि उत्प्रेरण हमारा है, कैटालिसिस है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें समझने की कोशिश करें कैटालिस्ट क्या होता है। किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। आइए एग्जांपल देखें, पोटेशियम क्लोरेट है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, यहाँ पे 270 डिग्री पर रिएक्शन हो रही है, पोटेशियम क्लोराइड और 3 ऑक्सीजन यहाँ बन रहे हैं। इसमें देखा जाए तो MnO2 क्रिया में भाग नहीं ले रहा है, लेकिन इस क्रिया की गति को बढ़ा रहा है, पोटेशियम क्लोरेट के टूटने की दर को बढ़ा रहा है। इसका सीधा मतलब है ये वो वाह पदार्थ है MnO2 जो कि क्रिया में भाग तो नहीं ले रहा है, लेकिन इसकी अभिक्रिया की गति को बढ़ा रहा है। अब इसकी परिभाषा को जरा देखें, वह वाह पदार्थ दैट एक्सटर्नल सब्सटेंस व्हिच डजंट टेक पार्ट इन रिएक्शन बट अफेक्ट्स द रिएक्शन, अफेक्ट्स द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, ईदर इट इंक्रीज द वेलोसिटी और इट डिक्रीज द वेलोसिटी। आइए देखते हैं, वह वाह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता लेकिन अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है, प्रभावित मतलब बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, उत्प्रेरक कहलाता है। और उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया की घटना या क्रिया भी उत्प्रेरक कहलाती है। एक एग्जांपल देखते हैं, 2KCl3 MnO2 270 पर 2KCl+CO2 बनता है, और इस अभिक्रिया में मैग्नीज डाइऑक्साइड ये हमारा उत्प्रेरक है,
ये उत्प्रेरक है और अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। तो ये हमारा उत्प्रेरण है और इसी पर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके आधार पर अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। आइए देखते हैं, कितने प्रकार के उत्प्रेरण के भाग पढ़ेंगे हम इसमें। आइए पहले हम पढ़ेंगे समांगी उत्प्रेरण। क्या पढ़ेंगे? समांगी उत्प्रेरण, इसको कहेंगे होमोजिनस कैटालिसिस, ध्यान समझिएगा। दूसरा पढ़ेंगे विषमांगी उत्प्रेरण, हेट्रोजिनस कैटालिसिस। धनात्मक उत्प्रेरण, पॉजिटिव कैटालिस्ट, ऋणात्मक उत्प्रेरण, निगेटिव कैटालिस्ट, स्वउत्प्रेरण, ऑटो कैटालिसिस, प्रेरित उत्प्रेरण, इंड्यूस्ड कैटालिसिस। देखने की कोशिश करेंगे जरा सा, हम उत्प्रेरण के जो भाग देखने जा रहे हैं उसमें हम समांगी उत्प्रेरण को देखेंगे, विषमांगी उत्प्रेरण देखेंगे, धनात्मक उत्प्रेरण देखेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरण देखेंगे, स्व उत्प्रेरण देखेंगे और प्रेरित उत्प्रेरण देखेंगे। हमने अभी एक आपको बताया कि कैटलिस्ट का सीधा मतलब है अब क्रिया में भाग नहीं लेगा वो, लेकिन क्रिया की गति को बढ़ाएगा, घटाएगा, प्रभावित करेगा। और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि पोटेशियम क्लोरेट जो है विघटित होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में और वो अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। आइए कुछ इतने प्रकार की क्रियाओं को हम देखेंगे जहां पर उत्प्रेरक किसी न किसी रूप में काम करते हैं और अभिक्रिया की गति को यहां पर घटा रहे हैं, यहां बढ़ा रहे हैं, यहां पर भी घटने की स्थिति है, बढ़ने की भी स्थिति है यहां पर, और यहां पर ये समांगी उत्प्रेरण है कैसे डिफाइन करेंगे, स्व उत्प्रेरण क्या है इसको देखेंगे, प्रेरित उत्प्रेरण क्या है ये भी देखेंगे। किन्हीं भी परिस्थितियों में हम इन अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं को समझने की कोशिश करते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद देखेंगे कि ये क्रियाएं कैसे करता है। तो बार बार एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि जो उत्प्रेरक होगा वो कहीं ना कहीं इनके नाम के आधार पे आप जान जाएंगे, दूसरी चीज वो क्रिया में भाग नहीं लेगा। जो बाहरी पदार्थ है समझने की कोशिश करिए, जो बाहरी पदार्थ है वो उत्प्रेरक होगा लेकिन उसकी उपस्थिति में जो हमारी क्रिया की घटना होगी उसे हम उत्प्रेरण कहेंगे, प्रोसेस जो है उसको कैटालिसिस कहेंगे, जबकि पार्ट जो पदार्थ होगा बाहरी उसको हम उत्प्रेरक कहेंगे। आइए जरा एक रिएक्शन देखने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम चलेंगे। देखिए समांगी एग्जाम्पल देखें, 2SO2 प्लस O2 इक्वल टू 2SO3। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस है, यह जो है उत्प्रेरक के भाग कार्य करता है। आइए समांगी उत्प्रेरण क्या है देखें,
ये जो उत्प्रेरक है इसकी अवस्था क्या है? गैस है। इसकी अवस्था क्या है? गैस है। इसकी अवस्था क्या है? गैस। जब समझिए समांगी उत्प्रेरक क्या है, जब उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्रिया कारकों की भौतिक अवस्था दोनों समान हो, दोनों क्या हो? समान हो। उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था 2SO2 plus O2 2SO3 है। यहां पर आप देखिए ये गैस है और ये भी गैस है, तो इस प्रकार का उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। जब तथा यह जो घटना हो रही है पूरी, इसको समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ध्यान रहे, तो क्या हो जाएगा? जब उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था तथा क्रियाकारक की भौतिक अवस्था समान हो, तो उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। तथा क्रिया की घटना समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। हमारा जो क्रियाकारक है 2SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी गैस है, ये गैस और अगर ये भी गैस है, तो यहाँ पर ये उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। तथा ये जो क्रिया हो रही है, रिएक्शन जो हो रही है इसकी उपस्थिति में, इसको हम समांगी उत्प्रेरण कहते हैं, होमोजेनस कैटालिसिस कहते हैं। ध्यान रहे, अगला जो एग्जाम्पल होगा तुम दे सकते हैं, जैसे शर्करा है, वाटर है, दोनों लिक्विड कंडीशन में है, हमारा H2SO4 उसमें कैटालिसिस है, कैटालिस्ट है, वो भी लिक्विड है, ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाएगा। तो इस प्रकार से तीनों जब लिक्विड हो जाएंगे तो तीनों जो है समांगी उत्प्रेरण कहलाएगा, समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा, और जो रिएक्शन होगी वो जो है समांगी, वो समांगी उत्प्रेरक जो रिएक्शन होगी वो समांगी उत्प्रेरण कहलाएगी। इस प्रकार से हमारा जो क्रिया कारक है ये दोनों गैस है तो समांगी उत्प्रेरक हो गया। ये इसी तरह से अगर ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, तो फिर वो समांगी ही माना जाएगा। क्लियर है? और इसके आगे हम शुरुआत करते हैं। फिर क्लियर है बच्चों, ये गैस तो ये समांगी उत्प्रेरक हो गया, क्रिया समांगी उत्प्रेरक हो गई। चलिए एक एग्जांपल और देखो, बेहतर रहेगा, ज्यादा समझ में। देखिए C12 H22 O11 क्या है? लिक्विड है। आइए वाटर क्या है? ये भी लिक्विड है। यहां पर H2SO4 कैटालिस्ट है, संयोग से ये भी लिक्विड है, क्या बनेगा? ये C6H12O6। देखिए ये भी किसी का उदाहरण है, समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण है। हमारा जो क्रियाकारक है इसकी दोनों की भौतिक अवस्था लिक्विड है, इसकी भौतिक अवस्था लिक्विड है। जब उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्रियाकारक की भौतिक अवस्था समान है तो उत्प्रेरक जो है हमारा क्या कहलाता है? समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। तथा इसकी उपस्थिति में होने वाली जो क्रिया की घटना है इसको हम समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। अब अगला हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर 2 विद द सिलेबस कैटालिसिस। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, जुड़े रहिए और इसको बिल्कुल रिवाइज करते रहिए। कैटालिसिस बिल्कुल एग्जाम में आता है, ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और बिल्कुल कहीं मिस मत करिए, एग्जाम्पल के साथ इसकी प्रैक्टिस करिए, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।